सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय काटजू ने अपने विवादास्पद ब्लॉग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार का एजेंट बताया। काटजू ने लिखा कि गांधी जी ब्रिटेन के एजेंट थे और उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। काटजू ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती थी और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाया। काटजू ने ये गांधी जी के हिंदू धर्म की बात करने पर सवाल उठाते हुए लिखा है और इससे उस समय के मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ता होगा। गांधी जी की इन्हीं नीतियों की वजह से मुसलमानों का मुस्लिम लीग की तरफ झुकाव हुआ। काटजू ने यह भी लिखा कि गांधी जी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के आंदोलन से देश का ध्यान हटाकर सत्याग्रह की तरफ मोड़ दिया, जिससे अंग्रेजों का नुकसान नहीं हुआ। तो मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर से विवादास्पद ब्लॉग लिखा। इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान देते रहे हैं जो विवादित तो होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार का एजेंट बताया। काटजू ने कहा कि गांधी जी ब्रिटेन के एजेंट थे और उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। काटजू ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती थी, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की इसी नीति को आगे बढ़ाया। काटजू ने गांधी जी को हिंदू धर्म की बात करने पर सवाल उठाते हुए लिखा कि इससे उस समय के मुसलमानों पर क्या असर होता होगा और इन्हीं बातों की वजह से उस वक्त के मुसलमानों का झुकाव मुस्लिम लीग की तरफ हुआ।